तो मास्टर सर्वशक्तिमान सबसे पावरफुल एफर्मेशन है, स्वमान है, इसका प्रयोग हमें करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, या मैं बहुत शक्तिशाली मन का मालिक हूँ। ये विजुअलाइज करना है। क्यों विजुअलाइज करना? सिर्फ रटना नहीं है, विजुअलाइज करना है। पहले तो देखना है सामने कि परमात्मा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, जैसे मानो फाउंटेन के तले आप बैठे हैं और आप स्नान कर रहे हैं, उनकी किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं और ये किरणें सीधा मेरे अंदर समा रही हैं। और रिपीट करें इस किरणों के नीचे स्नान करते हुए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रिपीट करें 4-5 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली मन की मालिक हूँ। ऐसे बात करने से क्या होता है, छिपी हुई मन की शक्तियाँ जागती हैं। अब मुझे विजुअलाइज करना है हर एक एफर्मेशन को। क्यों विजुअलाइज करना है? क्योंकि मेरे मन की भाषा ही विजुअलाइजेशन है, मतलब कलर, म्यूजिक एंड इमेज, इन तीनों चीज़ों को मिलाओ, यही मन की भाषा है। और इन तीनों को मिलाएं तो वीडियो बनता है। देखिए, जब टीवी देखते हैं, टीवी देखते हुए हम जानते हैं कि वो नाटक चल रहा है, फिर भी हम भावुक होते हैं, यानी हमारा मन उस पर रिएक्ट करता है। क्यों? तो हमारा मन जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है, बुद्धि एकदम चुप हो जाती है। तो अगर आप जो भी एफर्मेशन ले रहे हैं उसे अगर आप विजुअलाइज करें तो आपका काम हो गया। जो भी जीवन में चाहते हैं, ध्यान रहे पहले तो चाहना क्या है, जीवन में अच्छा ही चाहना है। ये नहीं कि इन शक्तियों को गलत वे में प्रयोग करने लग जाएं तो काम नहीं बनेगा। आप सफल होना चाहते हैं, जिसमें आप 4 लोगों की मदद कर पाएं, आप उन्हें सुख दे पाएं, उन्हें शांति दे पाएं, उन्हें आगे बढ़ा पाएं, उनका आध्यात्मिक उत्थान कर सकें, ये हमारे जीवन के मोटिव होने ही चाहिए। मन की भाषा है विजुअलाइजेशन। जैसे मानिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उससे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो आपकी तरफ वो कैसे देखेगा? उसे कुछ समझ में नहीं आएगा ना। वैसे ही मन की भाषा है विजुअलाइजेशन। अगर हम मन को विजुअलाइज करके नहीं दिखाते हैं तो मन की कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे मानो मैं मन से कह रहा हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं विजुअलाइज करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मास्टर सर्वशक्तिमान कैसा होगा। अगर कोई मास्टर सर्वशक्तिमान है, मतलब क्या इसका अर्थ, सर्वशक्तिमान भगवान की वो संतान है, कोई भगवान की संतान हो, उसका चलना, उठना, बैठना, हंसना, कार्य करना कैसा होगा? सोचिए भगवान कैसे होते हैं, उनसे सिमिलर होगा, उनसे मैच करता होगा कुछ हद तक। तो हमें वो विजुअलाइज करना है कि मैं सबको शांति, सबको सुख देता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, है ना। जब दूसरे सफल होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती है, उस तरह का मेरा नेचर होना चाहिए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो मुझे विजुअलाइज करके दिखाना है। मान लीजिए कि हमें ईर्ष्या होती है, कोई सफल होता है हमें ईर्ष्या होती है, हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी होती है हमें, तो हमें विजुअलाइज करके दिखाना है मन को कि मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। जब कोई सफल होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो मुझे विजुअलाइज करके दिखाना है। मानिए मेरे ऑफिस में कोई सफल हो रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई हैव टू विजुअलाइज इट, मुझे वो विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइज करने से क्या होगा, मन को वो कमांड मिलेगा कि जब कोई सफल होता है मुझे खुश होना है। मान लीजिए आपकी याददाश्त कमज़ोर है, पहले तो चेक कीजिए याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि अक्सर हम उन बातों को याद रखते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है। मानिए जैसे, या जिन्हें मेरा मन महत्वपूर्ण मान लेता है, जैसे मानो किसी ने आपको कुछ ऑफिस में बुरा भला बोल दिया हो, या घर में कुछ ऐसी बात बोल दी हो जो चुभने वाली आपको लगी हो, आपके नेचर के हिसाब से उसे आप नहीं भूलते हैं, 10 वर्ष बाद भी आपको याद रहती है, लेकिन एक चाबी कहाँ रखी है भूल जाते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझता हूँ।
राइट, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जो अद्भुत या अजीब होती हैं, पिक्यूलियर होती हैं दिखने में भी, तो वो हमें याद रहती है। मानो कोई गाय सड़क से जा रही है, उसको तीन सींग हो तो आप उसे नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें अजीब दिखती हैं वो हमें याद रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमारी याददाश्त कमज़ोर है, मैटर ये है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। राइट, कई बार हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें महत्वपूर्ण समझते नहीं हैं। फिर हम कहने भी लगते हैं मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है। अनजाने में हम अपने माइंड को ये एफर्मेशन देते रहते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। देखिएगा, ज़रा चेक कीजिए, जब हम कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, अनजाने में देखना मेरी इंटेलेक्ट विजुअलाइज कर जाती है मन के सामने कि जिस व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो वो कैसा होता है। देखिएगा, चेक कीजिएगा, बस मन को मिल गया कमांड, अब आपकी याददाश्त वो कमज़ोर करने में ही लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझें कि मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है।